आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राशियों के क्रम चक्र में आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ये होते हैं विश्वास के लायक या होते हैं पूरे के पूरे धोखेबाज, जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, धनु राशि राशि चक्र में नौवीं ज्योतिषीय राशि है और यह धनु राशि से जुड़ी है। राशि चक्र का प्रतीक धनुर्धर है और इसका मतलब है कि धनुष और बाण के खेल में इस राशि के लोगों को कोई नहीं हरा सकता। इसका यह भी अर्थ है कि जब ये किसी निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो उन्हें जीत से विचलित करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, धनु राशि के लोग कभी भी कम से संतुष्ट नहीं होते। वे आशावादी होते हैं और उत्साह से भरे होते हैं और इसलिए बड़े सपने देखना उनके लिए असंभव नहीं है। वे अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस बड़े सपने पर लगाते हैं और अपना साम्राज्य बनाते हैं। कुछ लोग उन्हें असंभव सपने देखने के लिए पागल कह सकते हैं, लेकिन धनु राशि के लोग ऊंची उम्मीदों और बड़े सपनों का पीछा करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, धनु राशि वालों को अपनी योजनाओं को एक सुंदर डायरी या प्लानर में व्यवस्थित तरीके से लिखने दें तो एक राशि चिन्ह नोटबुक व्यवसाय योजना कर या एक व्यक्तिगत लैपटॉप कवर बहुत बढ़िया रहेगा इस काम के लिए। जीवन की परिस्थिति चाहे जो भी हो, धनु राशि के लोगों का उसे समझने का एक दिलचस्प तरीका होता है। उनका मजाकिया स्वभाव और हास्य की एक अजीब भावना उन्हें जीवन की चुनौतियों को आसानी से जीने में मदद करती है। इसलिए जब भी धनु राशि के लोग कमरे में होते हैं तो कोई केवल मज़ेदार और शरारती चुटकुलों की ही उम्मीद कर सकता है। इस स्वभाव के कारण वे हमेशा किसी भी पार्टी में आमंत्रित लोगों की प्राथमिकता सूची में होते हैं। इसके अलावा वे अपने आसपास के सभी लोगों की हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं और ऐसे व्यंग करते हैं जो हास्यपद होते हैं। दोस्तों, धनु राशि चक्र के सबसे सीधे संकेतों में से एक है। कभी कभी वे सच को बेबाकी से बोलते हैं जो एक खुशहाल घर या शांत कार्यालय में उथल पुथल ला सकता है, लेकिन उनके दिमाग में वे भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देखते हैं। झूठ से दूर रहना अच्छा है और धनु राशि के लोगों को लगता है कि झूठ का खुलासा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। शुरुआत में जब कोई झूठ या अनैतिकता उजागर होती है तो यह एक उतार चढ़ाव भरा सफर जैसे लग सकता है, लेकिन लंबे समय में लोगों को इससे मदद मिलेगी। इसलिए धनु राशि के लोगों से यह उम्मीद ना करें कि वह आपके लिए चीज़ों को मीठा करेंगे। वे सच और ईमानदारी के साथ होते हैं। दोस्तों, धनु राशि वालों पर आप कभी भी अपनी शर्तें और नियम ना थोपें, फिर वह नहीं रहेगा। धनु राशि वालों को नियमों और दिनचर्या में बांधकर नहीं रखा जा सकता। वे नियम तोड़ने वाले होते हैं, ध्यान रखें। धनु राशि वाले खुद को उन लोगों से दूर रखते हैं जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र होना एक गुण है। ऐसी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे की नकल करने या दूसरों के नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है धनु राशि वाले हमेशा थोड़े खास होते हैं। दोस्तों, धनु राशि के लोग आपको किताब की तरह पढ़ सकते हैं। उन्हें लोगों से मिलने के कुछ ही मिनटों बाद उनके बारे में जानना का अनोखा गुण प्राप्त होता है। उनके पास अवलोकन कौशल है जो उन्हें उन सभी विवरणों को देखने में सक्षम बनाता है
जो आसानी से हर कोई नहीं देख पाता। धनु राशि के लोग जासूस हो सकते हैं क्योंकि उनका अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, धनु राशि के लोग दूसरों की सोच से 10 कदम आगे सोचते हैं और इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब उन्हें किसी चीज़ के बारे में अनिश्चितता होती है तो वह पूरी रात प्लान बी सी डी ई एफ इत्यादि बनाने में लग जाते हैं। क्या यह एक अनोखी खूबी नहीं लगती आपको धनु राशि के बारे में? दोस्तों, अगर धनु राशि के लोग किसी बात पर आश्वस्त हैं तो वह उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी जोखिम उठाने से नहीं कतराएंगे। वह उस बड़े सपने और महत्वाकांक्षा के लिए हर तरह का जोखिम उठाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उनके पास अपनी आस्तीन में पूरी तरह से प्लान बी सी डी ई एफ आदि हैं और इसलिए उनके असफल होने की संभावना बहुत कम है। वे जानबूझकर जानते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा जीतने के लिए जोखिम उठाना स्वाभाविक है। वे इस लापरवाही के लिए खास है। धनु राशि वह राशि है जो अतीत की शिकायतों को सबसे कम रखती है। वे बस आगे बढ़ते हैं और आप बहुत उत्साह के साथ आगे की जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं और उन्हें लगता है कि उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाना ज़रूरी है। दोस्तों, धनु राशि के लोगों के पास बेबुनियाद गपशप करने या अनावश्यक मेलोड्रामा में भाग लेने का समय नहीं होता। वे बस अपने प्रियजनों की समस्याओं या चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन पर चर्चा करना और उनका समाधान ढूंढना पसंद करते हैं। यहाँ वे अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, धनु राशि के लोगों को दिन रात एक ही तरह के काम करते रहना पसंद नहीं होता। अपने शरीर की हर कोशिका में जीवन को महसूस करने के लिए उन्हें बाहर जाकर अज्ञात की यात्रा करनी चाहिए और नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जीवन में नई चीज़ें की प्यास और भूख और बदलाव के लिए खुलापन उनके आसपास के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित और उत्साहित रखता है। दोस्तों, धनु राशि के लिए लकी रंग है हल्का नीला, सफ़ेद, क्रीम बैंगनी और नारंगी रंग। भाग्यशाली दिन है गुरुवार, बुधवार एवं शुक्रवार। भाग्यशाली अंक है 3, 7, 9, 12 एवं 21। सबसे अच्छी जिन राशियों के साथ धनु राशि की बनती है वह है मिथुन, सिंह और मेष राशि। सबसे कम जिनके साथ बनती है धनु राशि की वह है वृषभ एवं कर्क राशि। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछना है अपने लग्न को लेके, अपनी जन्म कुंडली को लेके या किसी भी और तरह का आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो वह आप निसंकोच हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछने में संकोच कर रहे हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्या का सटीक समाधान देने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।